प्रयागराज में हलचल बढ़ी है नैनी सेंट्रल जेल के बाहर और प्रयागराज की सीमा में दाखिल होने के बाद जब ये दूरी घटती जा रही है तो हलचल बढ़ती जा रही है। कहां? प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल के बाहर एबीपी गंगा की टीम वहां पर भी तैनात है। आपको साबरमती से लगाए प्रयागराज तक लगातार काफिले की हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। 24 घंटे का वक्त नजदीक आते जा रहा है और अब आपको लिए चलते हैं नैनी सेंट्रल जेल के बाहर। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। उनके पास जेल के भीतर की भी अपडेट है और बाहर की हलचल की तस्वीरें हैं, दोनों बताएं और समझाएं। देखिए, आपको बता दें कि अतीक अहमद को इस जगह पर यानी नैनी सेंट्रल जेल के बाहर में खड़ा हुआ हूं और यहां तक लाने में तकरीबन एक घंटे का वक्त और लगेगा। जो प्रयागराज का बॉर्डर है उस बॉर्डर में अतीक अहमद का काफिला वो दाखिल हो चुका है। नैनी जेल के बाहर किस तरीके की हलचल है ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहते हैं। देखिये, ये मिर्जापुर प्रयागराज का हाईवे है और यहाँ से ये जेल के गेट की शुरुआत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेडिंग लगा दी गई है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और ये हमारे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि ये जेल के अंदर जाने का रास्ता है। यहाँ पर एक बड़ा सा बैरियर लगा दिया गया है और तमाम जो है पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। उनको यहाँ पर मुस्तैदी के साथ ये ड्यूटी करते हुए नजर आ रहे हैं और जो अधिकारी हैं अब उनकी भी गाड़ियाँ अंदर नहीं जा रही हैं। जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ भी किनारे की तरफ आप देख सकते हैं कि खड़ी करा दी गई हैं और यहाँ पर अंदर भी तमाम बैरिकेडिंग की गई है। और ये देखिए, ये एक रस्सी लगा दी गई है ताकि जब यहाँ पर गाड़ियाँ जाएँ तो इन्हें किनारे कर दिया जाए और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत ना दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ये सुरक्षा इंतजाम है। नैनी जेल का ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है, यहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा इंतजाम है इसे देखा जा सकता है। और देखिए, गेट के अंदर जो है कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था ये तैयार की जा रही है और ये सामने बैरिकेडिंग आपको दिखाई देगी। एक लेयर पहले हमने बाहर की तरफ दिखाया, सेकेंड लेयर ये है, थर्ड लेयर आगे की तरफ है और दो लेयर अंदर की तरफ है। यानी पांच लेयर की सिक्योरिटी पार करने के बाद ही अब कोई जो जेल का मेन परिसर है वहां तक जा सकता है। तो एकदम यहां पर अतीक अहमद के आने के मद्देनजर यहां पर जो पूरा जो जेल परिसर है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो पुलिस कर्मी है इसी तरीके से आपको मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करते हुए नजर आएंगे और एकदम ड्यूटी पर लगे हुए हैं ये मुस्तैदी के साथ। और ये पूरा रास्ता जो है जिस तरीके से हमने दिखाया कि पांच लेयर की सिक्योरिटी बना दी गई है, पांच लेयर की सिक्योरिटी पार करने के बाद ही कोई अंदर जा सकता है और इस वक्त किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, चाहे वो किसी के भी हो। जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी दाहिनी तरफ दूसरी तरफ खड़ी करा दी गई हैं और जो अंदर परिसर में गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया है। तो इस तरीके का इंतजाम यहां पर किया गया है और तकरीबन एक घंटे का वक्त है यहां तक पहुंचने में, लेकिन एक घंटे के पहले ही इस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।